इस तरह की सिचुएशंस एक बच्चा एक एस्पिरेंट फेस करता है अपने घर से, जब वो दूर रहता है तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है और इससे हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। तो उस टाइम में क्या, जैसे आज के टाइम में तो बच्चों के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अभी अपने पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है तैयारी करने के लिए बच्चों के लिए, पर उस समय क्या था, हमारे पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था तो हमें घर से दूर जाना पड़ता था तैयारी करने के लिए। इस तैयारी के दौरान नर्सिंग ऑफिसर तक की जो ये जर्नी रही, आपके लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो रहा, बहुत सारे चैलेंजेस आपने भी फेस किए जैसे घर से दूर रहे आप? उस दौरान मुझे 6 महीने घर से दूर रहना पड़ा। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा भीड़ से हट कर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम सभी को। दिस इज सनी शर्मा, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7 नर्सिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज आपका RRB का जो क्रेज चला हुआ है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के बीच में, उसी के लिए खास सेशन रखा गया है, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर अश्विनी कुमार सर, जिन्होंने RRB 2015 को क्वालिफाई किया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। तो आपकी जो भी अब तक की जर्नी रही है RRB में नर्सिंग ऑफिसर बनने की, कैसे आपने एग्ज़ाम को क्रैक किया, क्वालिफाई किया, जो बाकी सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन जो है, इंस्पिरेशनल स्टोरी बनने वाली है, तो आपसे उसी से रिलेटेड कुछ सवाल यहाँ पर स्टूडियो में पूछे जाएंगे, तो आप तैयार हैं? जी। ओके, तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए सर कि आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या था कि आपको एक नर्सिंग ऑफिसर बनना है, इसके पीछे? मेरा जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था मैम नर्सिंग ऑफिसर बनने का, वो था यानी कि 12th मैंने साइंस से की, यानी कि 12वीं की पढ़ाई मैंने जो साइंस से की, उसके बाद क्या हुआ बीच में मुझे ये हुआ भी मुझे मेडिकल फील्ड में ही अपने को जाना है, ठीक है, मेडिकल में ही अपने लाइन में जाना है। तो मैंने देखा भी अपने एक बार हॉस्पिटल में जाना पड़ गया, उसी समय मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ गया उसी किस काम की वजह से, यानी किसी को देखने के लिए। तो मैंने देखा भी हाँ, तो ये वाला जो अपने देख रहे हैं भी, इसमें कितने हेल्पफुल, यानी कि अपने किसी की हेल्प की जा रही है किसी के द्वारा, तो मैंने भी सोचा अपने भी इस प्रोफेशन को चुन लिया जाए, क्यों ना अपने भी इस प्रोफेशन को चुन लिया जाए। तो मैंने भी देखा भी अपने इस प्रोफेशन को कैसे चुन सकते हैं, तो उसके लिए मैंने मेडिकल फील्ड में अपने पहले साइंस ली, 12th तक अपने साइंस से पढ़ाई की, उसके बाद मैंने इसका जो एग्ज़ाम होता है नर्सिंग के क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि नर्सिंग करने के लिए, वो एग्ज़ाम दिया। तो वो एग्ज़ाम दे के फिर मैंने जो कॉलेज मुझे मिलना चाहिए था वहाँ से मैंने अपनी जो नर्सिंग है BSc नर्सिंग वो डिग्री प्राप्त की, और उसके बाद जो एग्जाम होता है भी अपने कैसे नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं वो एग्जाम दिया, तो वैसे मैंने BSc नर्सिंग के लिए किया। सर, ये जो आपकी पूरी जर्नी रही नर्सिंग ऑफिसर बनने की, आपने कैसे कैसे एग्जाम क्रैक किया, क्वालिफाई किया, ठीक है, तैयारी कैसे की, ये सारी जर्नी बच्चे जानना चाहेंगे, तो थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बताएं। जरूर मैम। तो ये यानी कि समय मान लीजिए उस टाइम की जब मेरी जो नर्सिंग कम्प्लीट हुई वो 2014 में मैंने अपनी जो नर्सिंग की क्वालिफिकेशन थी मैम वो कंप्लीट कर ली थी। तो उस टाइम में क्या, जैसे आज के टाइम में तो बच्चों के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अभी अपने पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है तैयारी करने के लिए बच्चों के पास, पर उस समय क्या था, हमारे पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था तो हमें घर से दूर जाना पड़ता था तैयारी करने के लिए। तो मैं अपनी जो नर्सिंग के आगे एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी, हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है, उस तैयारी करने के लिए मैं अपने घर से दूर गया, काफी दूर, 500 किलोमीटर में हमें दूर जाना पड़ा उस टाइम, जयपुर जाना पड़ा मुझे तैयारी करने के लिए। और हमने जयपुर से तैयारी की, जयपुर में हमें यानी कि नियर अबाउट कोचिंग वाले थे जो 6 मंथ का रखते थे भी, आपका 6 मंथ भी हम आपको तैयारी करवा देंगे। तो हम जयपुर गए उस दौरान, यानी कि इतनी परेशानियां हमें करनी पड़ी, क्योंकि उस दौरान मुझे 6 महीने घर से दूर रहना पड़ा। अभी तो बच्चा जो है अभी घर पे ही रह लेता है, बिल्कुल घर पे रह के अपनी ऑनलाइन स्टडी कर लेता है, ठीक है, अपना बहुत बढ़िया है, और उस ऑफलाइन में मुझे 6 महीने घर से दूर रहना पड़ा, और उसी दौरान मैंने वहीं से तैयारी की। तो सर, आप ये मानते हैं कि आज के टाइम पे जैसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं बच्चों के पास कि वो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, यूट्यूब से स्टडी कर सकते हैं, सभी जो आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं मोस्टली वो बैचेस भी बनाते हैं, ठीक है, बैचेस उनको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर वो अपने अपने स्थान पर रहकर जो है अपने घर वालों के पास रहकर भी पूरी तैयारी कर सकते हैं, तो आप मानते हैं ये एक लाभ जो है आज के टाइम पे बच्चों को मिल रहा है? बहुत अच्छी लाभ नहीं मैम, अपॉर्चुनिटी है उसमें। देखिए, हम घर से दूर रहे तो पहली बात इतना दूर रहे घर से, तो उसमें ये होता है घर वालों को भी हमारी याद आती है और हमें भी घर की याद आती है। वही बच्चा घर पे रह के तैयारी कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर खाने पीने की दिक्कत,
आप बाहर रहेंगे तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, खाने पीने की। बिल्कुल, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जब इस तरह की सिचुएशंस एक बच्चा, एक एस्पिरेंट फेस करता है। अपने घर से जब वो दूर रहता है तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है और इससे हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत समय है, समय उसमें आपका ज्यादा लगता है। अभी क्या है, मान लीजिए बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है तो उसका उतना ही टाइम देना है जितना आपने दे दिया, अभी इतने टाइम पे आपकी क्लास, समय हमें जाना पड़ेगा कोचिंग, वापिस आना पड़ेगा, तो समय भी उसमें टाइम आपका खराब होता है। ठीक है, तो हमें काफी यानी कि दिक्कत, और महंगा भी था तब, क्योंकि आप घर से बाहर रह रहे हैं तो वो भी आपका पैसा लगेगा। ठीक है, और आप कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग की फीस भी तब ज्यादा थी, और अभी तो ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है तो आपको यानी कि 24/7 यानी यूट्यूब चैनल, मैं कह रहा हूँ नर्सिंग के लिए बेस्ट है अभी, क्योंकि आपको नियर अबाउट पेड जो आपका आपको घर पे ही प्रोवाइड करवा रहे हैं, नियर अबाउट 2000 का अपना जो बैच चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है वो। तो मैं कह रहा हूँ बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, बिल्कुल बिल्कुल तैयारी करने के लिए। बिल्कुल, तो सर हम जानना चाहेंगे, वैसे तो जब हम तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो इस तैयारी के दौरान नर्सिंग ऑफिसर तक की जो ये जर्नी रही, आपके लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो रहा, बहुत सारे चैलेंजेस आपने भी फेस किए, जैसे घर से दूर रहे आप, ठीक है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ता था, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगा हो कि ये काफी मतलब इसने डिस्टर्ब किया, क्या रहा? चैलेंज तो मैम उस टाइम बहुत थे, यानी कि सबसे बड़ा चैलेंज था भी उस टाइम नर्सिंग की जो वैकेंसी थी अपनी, वो सबसे बड़ा चैलेंज था भी। जो नर्सिंग की वैकेंसी है वो आपकी टाइम टू टाइम ही आती थी तब, यानी कि कोई नर्सिंग की वैकेंसी आज आ गई, एम्स की आ गई मान लीजिए आज, तो वो एम्स की आपकी 2 साल बाद आएगी। रेलवे की कोई वैकेंसी आज आ गई तो आपकी फिर 4 से 5 साल बाद आएगी। तो उस टाइम हमारे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उस टाइम ये हुई भी, उस टाइम रेलवे की वैकेंसी आ गई 2015 में, तो हमने वो वैकेंसी को एग्जाम दिया आरआरबी की, और उसके बाद एम्स की वैकेंसी, आप मान लीजिए नॉट सेट आपका 2 एग्जाम करवा रहा है एक टाइम में, और अभी जो आरआरबी की वैकेंसी होने जा रही है बच्चों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद फिर से 4 से 5 साल के बाद अपना जो एग्जाम होगा। तो सबसे बड़ी यही थी भी हमें, और वैकेंसी है वो बहुत कम आती थी मैम उस टाइम, यानी कि चैलेंज यह था भी सबसे कम वैकेंसी आती थी, तो हमें क्वालिफाई करके हमें एज ए नर्सिंग ऑफिसर बनना है। ठीक है, और सबसे बड़ा ये भी था भी घर से दूर भी रहना, ये भी एक चैलेंज था हमारे लिए। ठीक है, यानी कि बाहर का खाना भी खाना पड़ रहा है हमें। ठीक है, हेल्थ इशू भी था। ठीक है, और जो आपको एग्जाम देने जाना है वो भी दूर जाना पड़ रहा था अभी, तो आपकी जो भी जिस सिटी उसी में आपका एग्जाम हो जा रहा है, तो उस टाइम बहुत चैलेंज थे, अभी की अपेक्षा में ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, अब काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं बच्चों के पास उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन्हें मिल जाती हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कौन से अटेम्प्ट में जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था? मैं अब यही बता रहा हूँ भी, मेरा ये जो एज ए फर्स्ट अटेम्प्ट ही था जो आरआरबी का था तब, मैम 2015 में, ये 2014 की वैकेंसी, तो 2015 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था आरआरबी का। ठीक है, और मैंने जो यानी कोलकाता जोन से मैंने ये एग्जाम दिया था, उस टाइम में भी ये जैसे इस टाइम वैकेंसी आई है भी, हर जोन से आपकी वैकेंसी आई है, उस टाइम भी इसी तरह आई थी, बस मान लीजिए कुछ से एक दो जोन को छोड़ के वैकेंसी आई थी। तो मैंने जो आरआरबी कोलकाता से ये एग्जाम दिया था और मेरा फर्स्ट ही एग्जाम था ये, और उसके साथ एक दो एग्जाम हो दिए थे, जैसे मान लीजिए बीएसएफ का मैंने एग्जाम दिया था, मैं पीजीआई का एग्जाम दिया था उस टाइम, तो मेरा यहाँ पे भी हुआ था और एक बीएसएफ में भी उस टाइम हुआ था, तो मैंने इसको ज्वाइन किया था आरआरबी को। तो ये तो बहुत मतलब अच्छा मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन की तरह आप रहेंगे सभी एस्पिरेंट्स के लिए। अश्विनी सर ने, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में जो है अपना आरआरबी 2015 का एग्ज़ाम क्रैक किया, और यही नहीं, इसके साथ उन्होंने दूसरे भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया था, और वो उनकी चॉइस थी कि उन्होंने आरआरबी को जो है चूज़ किया। ओके, तो सर आप थोड़ा सा हम आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स बच्चे होते हैं जैसे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस या फिर घर वालों का सपोर्ट, ये दो चीज़ें घर की तरफ से रहती है, फैमिली की तरफ से नहीं मिल पाती है, ये भी एक जो है फिर एक हर्डल की तरह उनके सामने निकल के आती हैं बच्चों के लिए। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा। फैमिली में तो मैम यही है भी, मम्मी पापा हैं और दो सिस्टर हैं, और फैमिली यानी कि इतना अपने कह सकते हैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ओनली पापा ही थे जो यानी कि एक इनकम सोर्स थे फैमिली में, तो दो सिस्टर भी डिपेंड थी, मैं भी था, और मुझे जो पढ़ाई है नर्सिंग की वो काफ़ी महंगी है मैम, उसमें लाखों के रुपए आपकी फ़ीस लग जाती है, कोचिंग का फीस लग जाती है, तो इतना नहीं था, तो वो सब देखते हुए इसलिए परेशानी होती थी भी, घर से सब वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, वो भी देखना पड़ता था, इसलिए मैंने सोचा भी अपने को भी एक नर्सिंग ऑफिसर बनाएंगे, क्योंकि उसमें अच्छी फाइनेंस, अपने को पैसा बढ़िया मिलेगा, ताकि हम भी, मैं भी जो यानी नर्सिंग ऑफिसर बन के अपने पापा की जो मदद कर सकूं। ठीक है, क्योंकि दोनों सिस्टर की शादी थी, सब कुछ है, तो वो सब डिपेंड था।
बिल्कुल। तो जब आपने नर्सिंग ऑफिसर, एक नर्सिंग को जो है एज अ करियर चूज करने का फैसला लिया था, तो फैमिली से सपोर्ट था पूरा? जी, फैमिली से पूरा सपोर्ट था, क्योंकि चाहते थे, क्योंकि मेरा भी एक सपना था, ठीक है, और मेरे पापा भी चाहते थे भी कुछ ना कुछ ऐसा हो भी, अच्छा किया जाए, ठीक है, मेडिकल फील्ड में वो भी चाहते थे, तो फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट था। पर वही है, फाइनेंशियली इतना अपने वो नहीं थे स्ट्रॉन्ग भी, मैं कहूँ फाइनेंशियली पूरे स्ट्रॉन्ग थे, तो पर सपोर्ट पूरा फैमिली की तरफ से। ओके सर, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता एक पर्टिकुलर करियर को जब वो चूज़ करते हैं। तो सभी फैमिलीज और पेरेंट्स से तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके बच्चे का एक जो वो सपना देखता है, जो भी ड्रीम उसका होता है, वो अपने पूरे जोश के साथ और अपनी पूरी पावर के साथ उसको जो है फिर फॉलो करता है। लेकिन आप जब उसको सपोर्ट करते हैं तो वो जो पावर, वो जो एक एनर्जी होती है उसकी, वो दोगुना हो जाती है। तो अपने बच्चों के ड्रीम्स में उनको सपोर्ट ज़रूर करिए, ठीक है। जब एक फैमिली का, पेरेंट्स का जब एक बच्चे को सपोर्ट मिलता है, तो फिर वो हर अपनी लिमिट्स से भी पार जाके उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। तो सर, अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप जैसे नर्सिंग ऑफिसर की जो जर्नी रही, आपको कितना समय जो है सर्विस करते हुए हो गया, और जॉब प्रोफाइल क्या रही थी, और जॉब के टाइम पे आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फिलहाल? अभी तो मैम ये मान के चलिए भी जो मेरा टाइम हो गया सर्विस में, नियर अबाउट 7 ईयर्स हो चुके हैं। ओके, जो इनके आर अभी को, तो स्टार्टिंग एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जो इनकी पोस्ट आई अपनी एज ए, वो ज्वाइन किया था मैंने, और आज सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ, यानी जैसे नॉर्थ स्टेट में बोलते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, उस पोस्ट पे मैं आ चुका हूँ आज। और ड्यूटी में ये चैलेंज सबसे ज़्यादा आता है इसमें, जैसे ड्यूटी टाइमिंग जो होती है आपकी, मान लीजिए ड्यूटी टाइमिंग 8 आवर्स ली रहता है आपका, भी मॉर्निंग में गए आपकी, फिर उसके बाद इवनिंग ड्यूटी, फिर नाइट ड्यूटी, फिर फैमिली से दूर रहना, ठीक है, और फिर आपका जो खाने पीने का थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजेस आपको ड्यूटी पे रहते हैं, पर उन सबको अपने को मेंटेन करके चलना पड़ता है साथ में, ताकि जो, क्योंकि अपने को एक बार तो ड्यूटी करनी नहीं है, ये लंबे टाइम करनी है, तो अपने को पूरा हेल्थ कॉन्शियस भी रहना पड़ता है, भी जो अपने चैलेंज आ रहे हैं उसको अपने कैसे करें, तो ड्यूटी और में भी कोशिश करते हैं भी अपना जो लंच है वो टाइम से कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ अपना जो ये फील्ड है मैम, हॉस्पिटल फील्ड है, उसमें क्या इन्फेक्शन होने के चांस भी, तो आपको लंच से जो भी है आपको खाना ध्यान से खाना पड़ता है पूरा, यानी कि ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। फिर आपका नाइट ड्यूटी के बाद आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत आती है, पर वही है भी जॉब में यही मजा है भी, आप जो हेल्प करना चाहता है किसी के, जैसे मैं तो ये अपने को लकी समझता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में पहले से था, पर मेरे सामने एक कोविड की वेव आई थी जो आप सभी ने फेस की होगी, तो हमने उसमें काम किया, तो एज ए मैं खुद को लकी महसूस करता हूँ भी मैंने उसमें काम किया, और लोगों की बहुत ही हेल्प की, हमें इसकी एक अपॉर्चुनिटी मिली भी हम लोगों की हेल्प कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत मतलब बड़ी बात है, ठीक है। सर्विस जब हम करते हैं और जब दिल से करते हैं, उस दौरान जब इस तरह की सिचुएशंस को फेस करके उनको टैकल कर लेते हैं और लोगों को हेल्प मिलती है, उससे तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिल्कुल। तो सर, आप बताएंगे कि नर्सिंग ऑफिसर की ये जो जर्नी है आपकी फ़िलहाल, उसमें आगे बच्चे जानना चाहेंगे कि आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, जैसे अभी आप जो है आपकी रैंक में जो है बढ़ोतरी हुई है, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के, तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। आगे भी और भी अपॉर्चुनिटी है मैम, इससे भी आप हायर रैंक पे आप चले जाएंगे, अभी मान लीजिए जिस रैंक पे हो उसके बाद आपकी चीफ नर्सिंग ऑफिसर हो जाएगी, फिर आपकी जो सैलरीज है वो भी इसमें काफ़ी अच्छी है, मान लीजिए नियर अबाउट आप जब स्टार्टिंग में ही अगर ये जॉब आप जब लगते हैं, तो नियर अबाउट आप ये मान के चलिए 1 लाख के आसपास आपकी जो सैलरी रहती है, तो अदर प्रोफेशन में आप यानी सोचिए कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप यानी कि आप डायरेक्ट इस रैंक पे आप ज्वाइन करें, या तो आप UPSC क्रैक करिए तब आप इस सैलरी तक पहुंच पाएंगे, या प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं भी जाएंगे आप, तो इतनी सैलरी आपको कोई स्टार्टिंग में नहीं देगा। बिल्कुल। बट ये जो आपके गवर्नमेंट के थ्रू RRB है, आपका नॉर्थ स्टेट है, किसी में भी आया जाए आप नर्सिंग ऑफिसर जाएंगे, तो स्टार्टिंग सैलरी नियर अबाउट आपकी 1 लाख के आसपास रहेगी, जो यानी कि फिर बढ़ती जाएगी, जब आपका सीनियर नर्सिंग स्टूडेंट हो जाएगा फिर आपकी बढ़ जाएगी थोड़ी 20-30 हज़ार, फिर जब आप चीफ नर्सिंग ऑफिसर हो जाएंगे फिर आया जाए आपकी फिर सैलरी बढ़ जाएगी नियर अबाउट 1-1.5 के पास हो जाएगी। तो सर, बहुत सारे बच्चों को जो है जैसे BSc नर्सिंग कंप्लीट हुई, काफ़ी बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में जो है परसू करना पड़ता है जब वो गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा आप कंपेयर करेंगे प्राइवेट सेक्टर को नर्सिंग फील्ड के और जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, दोनों को क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? मैम डिसएडवांटेज तो यही है प्राइवेट सेक्टर में, ये मान लीजिए बच्चा अगर प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जाएगा तो उसको इतना वही है भी सैलरी आपको नहीं दे पाएगा प्राइवेट सेक्टर जितना बच्चा चाहता है, ठीक है,
और वो ही है अभी उसको जो अगर अब तैयारी करेगा कहीं भी जाके अगर दूर तैयारी करेगा तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा भी अपना एक मुझे क्योंकि टीचिंग करवाने का भी शौक था, साथ साथ में पढ़ाने का शौक था बच्चों को भी, मैं सोचता था भी साथ में पढ़ाया भी जाए कुछ। ठीक है, तो सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं यहाँ पे कि अश्विनी सर जो हैं वो एक नर्सिंग ऑफिसर तो हैं ही आरआरबी के थ्रू, और इसके साथ साथ अड्डा 24/7 नर्सिंग के इस प्लेटफॉर्म पे वो एक एज अ फैकल्टी भी जो है कार्यरत हैं। तो सर सभी जानना जरूर चाहेंगे कि आप जो है आपकी अच्छी खासी जॉब है, ठीक है, आप एक सर्विस में जो है शामिल हैं, तो इसके साथ साथ ये जो पढ़ाने का ये मोटिवेशन कहाँ से आया? ये मैम मैं क्योंकि मैंने जब आरआरबी नर्सिंग किया तो उस दौरान भी मैं साथ साथ में बच्चों को पढ़ा रहा था। ठीक है, तो मैंने सोचा भी बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि काफी महंगा पड़ता है ये जो अपना जो कोचिंग है, काफी महंगी पड़ती है बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए भी अपने कुछ हेल्प कर सके इसमें। तो मेरा ये यानी कि जो भी 1 घंटा होता है जो फ्री टाइम हुआ उसमें मैंने सोचा भी एज ए मैं फ्री में यानी कि ये जो बच्चों को कुछ दे सकूं। तो मैंने कोई कहीं कई जगह इससे संपर्क करने की कोशिश की, कई कोचिंग में से संपर्क करने की कोशिश की, पर मुझे जो अड्डा 247 ने एक प्लेटफॉर्म दिया भी सर आप यहाँ पे आप 1 घंटा क्लास ले सकते हैं हमारी तरफ से। तो मैंने सोचा हाँ जरूर सर, बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई पढ़ाने के लिए। और मैंने सर उन्होंने पूछा क्या आपका चार्ज है, मैंने कहा सर मैं ओनली एज ए बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है वो शेयर करना चाहता हूँ ताकि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या 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 गलती करते हैं एग्जाम में वो सीख सकें, तो वो सब मैं बताना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। और मैं इसके लिए मैंने वही कहा अड्डा 247 को भी सर मैं इसके लिए कुछ भी नहीं लेना चाहता, बस मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया यही, मैं अड्डा 247 को इसके लिए मैं अपना कहूंगा दिल से धन्यवाद, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और यही बच्चों की ताकि मैं हेल्प कर सकूँ। तो सर ये चीज़ हम सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है कि जब हम खुद सामर्थ्य हमारे अंदर होता है, हम जो है पूरा समर्थ बन जाते हैं, तो उसके अलावा हम क्या जो है जो बिल्कुल निशुल्क और निस्वार्थ भाव से एक सेवा कर सकते हैं लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की। और अड्डा 24/7 नर्सिंग का जो ये प्लेटफॉर्म है हमेशा नीडी स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खड़ा रहा है, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। यहाँ पर जो भी चैनल पे आप जो भी क्लासेस देखते हैं टीचर्स के द्वारा, जो भी बैचेस आपके लिए लाए गए हैं, वो सभी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं कि आप सब बच्चे जितने भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उन सबकी हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके, और वो भी इस तरीके से कि आप लोगों को तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कतों का सामना फेस ना करना पड़े और स्मूथली जो है आप सब बच्चों की तैयारी जाए। और अश्विनी सर भी जो बिल्कुल फ्री में आप सब बच्चों को ये सर्विस दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये बात। थैंक यू सो मच सर, और बच्चों की तरफ से भी बच्चे भी बिल्कुल आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आप उनके लिए इतना सोचते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तैयारी कैसे करें इस पर्टिकुलर एग्जाम की? क्योंकि ये तो सबसे बढ़िया बात पूछी मैम आपने, क्योंकि एग्जाम के लिए अपनी स्ट्रेटजी जरूरी है कि अपने को कैसे एग्जाम क्रैक करना है, अपने की क्या गलतियां नहीं है जो नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि आपका जो एग्जाम के प्रति जो आपका नजरिया है या फिर जो भी आपकी सोच है आपको 100% कमिटमेंट देना है। भी बच्चे क्या होते हैं एग्जाम तैयारी करने बैठ गए, ठीक है, बट क्या होता है वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है अभी आज अच्छे से पढ़ाई कर ली फिर 2 दिन नहीं करेंगे, फिर कर ली फिर नहीं करेंगे, ये सब चीज नहीं चलेगी। यानी कि कंटिन्यूटी जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यूटी देने से क्या होगा बच्चे का एक मेमोरी बनेगा, मेमोरी यानी कि कुछ भी चीजें ऐसे याद नहीं रहती अपने को, याद करने के लिए मेमोरी यानी कि मेमोरी ट्रेस बनता है एक दिमाग में जिससे अपने को चीजें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो बच्चों को मैं यही सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल ही पढ़ाकू भी नहीं बनना है, ये नहीं है भी बिल्कुल आप किताबों में लग जाइए 10-12 घंटे अपने को लग जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको ओनली 5 से 6 घंटे देने, और बीच बीच में अपने को यानी कि एक पावर लैप होता है यानी कि 5 मिनट 10 मिनट जिसमें आपका क्या एक एनर्जी मिलती है, अपने को एनर्जी मिलती है जिससे आपको फिर से आप बैकअप करते हो आप स्टडी में। तो 5 से 6 घंटे दीजिए बट कंटिन्यू दीजिए, कंटिन्यू दीजिए। और ये नहीं है आपने सोचना है भी मैंने इसको हराना है, ये कभी मत सोचिए भी मैंने इसको हराना है, आपने खुद को ही हराना है बच्चों। क्यों क्यों हराना है, क्योंकि जब आप 1 घंटा स्टडी कर लोगे या 1.5 घंटा स्टडी कर लोगे आप थक जाओगे, आप सोचोगे अब मैं सो जाऊं, ठीक है अब मैं सो जाऊं, तो तब ये अपने को एक पावर लैप ले लेनी है ओनली कितनी 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं 1 घंटे की पावर लैप, 1 घंटा नहीं होना चाहिए वो, 1 घंटा हो गया तो वो तो घंटे में चला गया, मिनट की रहेगी तो वो कभी काउंटेबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपने खुद को ही हराना है, यानी कि जब आप खुद को खुद से जीत लोगे ना बच्चों तो ये आप जो एग्जाम है कोई भी एग्जाम है उसको आप इजीली जीत लोगे, और कमिटमेंट आपका चाहिए होगा। ठीक है, 100% कमिटमेंट चाहिए होगा, यानी कि आपको रेगुलर स्टडी देनी है
और बीच में यानी कि आपको बीच बीच में जो आपको मैंने बताया भी पावर लैप है जो भी आपको देते हुए अपने कैसे स्टडी करनी ये सब जरूरी चीजें हैं। तो बहुत अच्छी बातें एक प्रिपरेशन के लिए सर ने बताई है हमें यहाँ पर। तो सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो उन्हें आप कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे अपनी तैयारी में, वो क्या एक ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे इस लास्ट अटेम्प्ट जो लास्ट अपॉर्चुनिटी है उनके पास वो बस क्रैक कर जाए। ये तो मैम बहुत सारे बच्चों के साथ इस बार होगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, और बच्चे ये सोच भी रहे होंगे ये इस बार तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, पर मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों आपसे भी आप देखिए ये सोच के चलिए भी अगर मेरा इस एग्जाम में नहीं हुआ, हर बच्चा ये सोच के चलिए अगर इस एग्जाम में नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक लक्ष्य आप लेके चलिए अपना, ये जो नर्सिंग का लक्ष्य क्या है, हेल्प करना दूसरों की, ठीक है, मतलब अपने दूसरों की मदद करने के लिए अपने नर्सिंग में आते हैं भी दूसरे की मदद कर सकें, तो एक अपना एक और लक्ष्य बना के चलिए भी अपना अगर इस एग्जाम में नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, जिंदगी में तजुर्बा तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात जो है सर ने कही है। ठीक है, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी जिन बच्चों के पास है, जिन एस्पिरेंट्स के पास है, वो बस अपने मन में यही रखिए कि अगर ये नहीं हो पाया तो फिर क्या है, आगे क्या है। ठीक है, तो सर लास्ट क्वेश्चन आपसे इस सेशन का मैं आपसे पूछना चाहूँगी सभी बच्चों के लिए, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें ये जो नर्सिंग फील्ड है, नर्सिंग जो करियर है, क्यों ऑप्ट करना चाहिए, सबसे बेहतरीन चीज़ जो इस फील्ड के बारे में आपको लगती है आपको, क्योंकि सर्विस करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करिए। नर्सिंग फील्ड तो आज के टाइम में मैं इसलिए कहना चाहूँगा मैम, एक तो मेडिकल फील्ड है अपना ये, ठीक है, और आजकल हर घर में कोई ना कोई आपको बीमारी मिलेगी, यानी कोई ना कोई आपको कोई ना कोई आदमी बीमार मिलेगा, तो नर्सिंग फील्ड में रहने से अपने को क्या उस टच में रहेंगे आप, यानी कि आपको कुछ जानकारियाँ रहेंगी भी, अगर अपने को कुछ ऐसा होता है अपने घर परिवार में ही अगर कुछ ऐसा होता है तो अपने कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं, और अपना ये फील्ड ही हेल्प करने का है, तो अब आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भी जिनको किसी चीज़ के बारे में जानकारियाँ नहीं है, क्योंकि आजकल साइंस ही है जो यानी कि हर चीज़ को अपने जड़ से ख़त्म कर सकती है, पर कई मिसकंसेप्शन है लोगों का, यानी कि कुछ गलत कुछ में चले जाते हैं, ठीक है, भी ये मेडिसिन से नहीं, आजकल तो कैंसर का भी अपने इलाज यानी कि मेडिसिन से हो रहा है, सही हो रहा है, बिल्कुल, तो यानी कि इसलिए अपने नर्सिंग है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप सब कुछ जान सकते हैं भी अपने एक दूसरे की कैसे हेल्प करनी है। थैंक यू सो मच सर, आपने ये सब बच्चों को बताया। तो नर्सिंग करियर जिनको चूज करना है, चाहे आप सैलरी को अपना मोटिवेशन बनाए, चाहे आप रेपुटेशन को अपना मोटिवेशन बनाए, ठीक है, या फिर एक सबसे बड़ा मोटिवेशन कि हमें सेवा करनी है, उस सेवा को आप अपना मोटिवेशन बनाओ, तो नर्सिंग करियर एक बेस्ट करियर है अगर एक एस्पिरेंट चूज करना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है। और अश्विनी सर की जो स्टोरी रही है नर्सिंग ऑफिसर बनने तक की और बाद की भी, वो हम सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में और जिनका आने वाले समय में आरआरबी एग्जाम जो है वो अपीयर होने वाले हैं एग्जाम के अंदर। तो थैंक यू सो मच सर सभी बच्चों को गाइड करने के लिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म अडा 24/7 नर्सिंग पे जुड़ने के लिए। जय हिंद।